हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रिपल डिलाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर एक बहुत ही हेल्दी सा स्नैक बनाने जा रहे हैं, फ्राइड मसाला इडली। क्योंकि इडली है तो ऑयल तो वैसे भी नहीं होता उसमें, और एक तरह से बहुत ही हेल्दी होती है। तो चलिए हम बढ़िया से ये फ्राई करके बिल्कुल मसालेदार इडली तैयार करते हैं। और यहाँ पे आज हम फ्राई मसाला इडली बनाएंगे। तो फ्राइड इडली बनाने के लिए ये मैंने ऑलरेडी इडली बना के रखी हुई है, इसका वीडियो आप मेरे चैनल ट्रिपल डिलाइट्स में ऑलरेडी देख सकते हैं, मैंने शेयर किया हुआ है। और ये सूजी की इडली मैंने बनाई है, और बनाने के बाद इस तरह से देखिए मैंने इसको इस शेप में काटा हुआ है। आप किसी भी शेप में इनको काट के रख सकते हैं, मैंने इस तरह से शेप इसको दिया हुआ है। तो बस सिंपल सा हमें इडली को फ्राई करना है, और बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता, बस एक छोटा सा टेबल स्पून ऑयल की ज़रूरत है हमें। और हल्का सा बिल्कुल इसमें ज़रा सा ऑयल पड़ना है। इसमें राई डालेंगे, साथ में ये करी पत्ता भी हम इसमें डाल देंगे, और इसी में कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। हल्दी ऑप्शनल है, आप बिना हल्दी के भी इसको बना सकते हैं। मैं एक पिंच हल्दी डाल रही हूँ खाली, साथ में एक चम्मच इसमें धनिया पाउडर, और मैं कुटी और लाल मिर्च दोनों यूज़ करूँगी। थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डाली है, और थोड़ी सी मैं ये इसी लाल मिर्च डालूंगी। नमक भी मैं साथ में ही डाल देती हूँ मसाले में। और इस तरह से एक बार मसालों को ऑयल के साथ में स्टिर कर लेंगे, और उसके बाद में ये जो इडली हमने काट के रखी हुई है ये हम इसमें डाल देंगे। और बस मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए इडली को थोड़ा सा मसाले के साथ में इसी तरह से हम पका लेंगे, और बिल्कुल बढ़िया ये मसालेदार फ्राइड इडली बनके रेडी हो जाएंगे। और देखिए मसाले में सिर्फ 2 मिनट हमने इडली को पकाया है, और बिल्कुल बढ़िया ये इडली फ्राई हो गई है। और एक तरह से बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, क्योंकि ऑयल आपने देखा होगा बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल ना के बराबर इसमें ऑयल की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया टेस्टी सी फ्राइड मसाला इडली बनके रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक बहुत ही टेस्टी और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।